पिछले महीने ये वाले रैप्टर की अनबॉक्सिंग की थी तो आप लोगों ने बोला था कि इससे भी ज्यादा डेंजरस रैप्टर खरीदने के लिए ये लोग इस खरीद के लिए आ चुका हूँ एक और बहुत ज्यादा डेंजरस आरसी रैप्टर। आज मैं इसकी फाइट करूंगा बहुत सारे आरसी डायनासोर्स के साथ। यहाँ पे रखा है मैंने शैडो ब्रोंटासॉरस, इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। यहाँ पे एक डायनासोर का लीडर, इसका नाम है वेलोसिराप्टर। यहाँ पे हमारा स्टंट डॉग को आप एक रोबो डॉग भी बोल सकते हो। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, फिर कराते हैं इसकी फाइट दूसरे डायनासोर के साथ, देखते हैं ये डायनासोर है कितना ज्यादा पावरफुल। लेट्स स्टार्ट। ये न्यू रैप्टर डायनासोर को मैंने हैमलिस के स्टोर से खरीदा था लगभग 4000 रुपीस में। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से अगर आप चाहे तो इसे खरीद सकते हो। आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो यार फटाफट से लाइक करो। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा दें। तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, बॉक्स के अंदर शायद इसका चार्जर हो, बैटरी है इनबिल्ट ही देखने को मिल जाती है। मेरे पास जितने भी डायनासोर है उनके अंदर ही बैटरी दी गई, यहाँ गाइस देख सकते हैं। इसका चार्जर और एक स्क्रू ड्राइवर भी दिया गया इसके साथ, और ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। बाकी मेरे पास जितने भी डायनासोर है उसके अंदर भी ऐसे ही रिमोट मेरे को मिला था, पर वो रिमोट थोड़े से अलग है क्योंकि उसके अंदर थोड़े से बटन कम दिए गए। इसके अंदर ढेर सारे बटन है, इससे मेरे को ये लग रहा है कि ये जो डायनासोर है बहुत ज्यादा एडवांस क्वालिटी का बना हुआ है। चलो अभी ये बॉक्स को मैं रखता हूँ साइड में। इसके अंदर भी देखो बीच में से एक कट लगा हुआ है, इसका जितना भी मैकेनिज्म है बीच में यहाँ पे दिया गया। जब हम इसको टर्न करते हैं तो ये ऐसे टर्न हो जाता है, यार ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू कलर दिया गया, अगर मैं इसको ऐसे टर्न करता हूँ तो गाइस अभी आप देखना ये ऐसे लगेगा कि ये अपनी आंखें बंद और खोल रहा है, इतना ज्यादा जबरदस्त तरीके से इसको डिजाइन किया गया। ये ओपन और क्लोज हो सकता है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल इसका जॉ दिया गया और इसकी स्किन बहुत ज्यादा खुरदुरी है। पीछे के पैरों में इस तरह की रबर की पैडिंग दी गई है ताकि ये चलते वक्त बिल्कुल भी फिसले वगैरह नहीं। अभी ये वाले रैप्टर को अनबॉक्स करते हैं। ये देखो बहुत ही छोटे से बॉक्स में मिलता है क्योंकि इसको अलग अलग पार्ट्स करके इसके अंदर लगाया गया है, जैसे कि ये इसकी बॉडी है और पीछे के लेग्स है। इसके भी लेग्स देखो गाइस काफी ज्यादा मस्कुलर है और इसकी भी बॉडी जो है यहाँ से कटी हुई है। हमारे नए वाले रैप्टर से तो इसका माउथ बहुत ज्यादा बड़ा है और ये दिखने में भी उससे भी ज्यादा डेंजरस दिखाई देता है। यहाँ पे इसके लेग्स है, ये लेग्स हम लोगों को यहाँ पे अटैच करने पड़ेंगे यार। तो ये रही इसकी पूंछ, ये लगा दिया गाइस मैंने इसकी पूंछ भी। अब देखो यार ये लग रहा है ना पूरा का पूरा एक रियल डायनासोर जैसा। बिल्ड क्वालिटी इसकी भी ज्यादा सॉलिड है और इसका कलर देखो यार बहुत ही अलग और बहुत ही ज्यादा यूनिक लग रहा है। अब इसका रिमोट मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे शायद इसका माउथ ओपन होता होगा, इसको प्रेस करने पर यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच दिया गया। इसके अंदर एक चीज मेरे को बेकार लगी यार, ये रिमोट आईआर सेंसर पे चलता है, पर न्यू रैप्टर का रिमोट आप देख सकते हो 2.4 गीगाहर्ट्ज के टेक्नोलॉजी पे चलता है। इसकी रेंज बहुत ज्यादा कम होने वाली है। ये थोड़ा सा येलोइश टाइप में दिया गया है, ये 2022 मॉडल का डायनासोर है। अभी मैंने जो फर्स्ट में ओपन किया था ना यार, ये वाला है 2023 का मॉडल। दोनों का रिमोट यार बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए 2022-2023 के अंदर। ओके यार अभी ब्रोंटासॉरस को भी अनबॉक्स कर देते हैं। जैसे ही रिमोट के अंदर हम लोग एक बटन दबाएंगे तो गाइस ये डायनासोर से एक बहुत ही डेंजरस वाला रोबोट भी बन सकता है। तो आज देखेंगे रोबो डायनासोर जीतता है या फिर रियल दिखने वाला डायनासोर जीतता है। इसको मैंने बॉक्स के अंदर से निकाल लिया, इसका जो हेड है ये ऐसे फटके यहाँ अंदर की तरफ से एक रोबोट निकलने लगता है। देख सकते हो ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, बिल्कुल एक रोबोट के हेड जैसा ही दिखाई दे रहा है। इसके अंदर एक बहुत ही कमाल की चीज मिलती है, यहाँ पे इसके वेपन्स भी दिए गए। ओके गाइस सबसे लास्ट में अब मैं ये रोबोटिक स्टंट डॉग को अनबॉक्स करने वाला हूँ। ये स्टंट डॉग दो तीन कलर्स में मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये एक रेड कलर है, मैंने जो खरीदा है वो व्हाइट कलर वाला है। आप चाहे तो ये कलर में भी खरीद सकते हो, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं गाइस। इसकी बिल्ड क्वालिटी सच में यार बहुत ज्यादा सॉलिड है। इसके अंदर यहाँ पे मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स दिए गए, सामने के व्हील्स पीछे के व्हील्स बिल्कुल सेम टू सेम साइज के हैं और इसके लेग्स काफी ज्यादा मस्कुलर है। इसके आईज के अंदर बहुत ही यूनिक तरीके की लाइट्स दिखाई देती है और ये हॉग भी सकता है यार। इसके अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप के फीचर्स भी दिए गए, बिल्कुल एक वीडियो गेम के रिमोट जैसा ये दिखाई देता है। इसकी बैटरी भी बड़ी कमाल की होती है यार, इसके साथ हम लोगों को 7.4 वोल्ट की बैटरी भी मिलती है। तो गाइस ऑलमोस्ट ये तीनों डायनासोर सेम टू सेम साइज के हैं। चलो अभी कराते हैं फाइट, देखेंगे गाइस आज कौन जीतता है। लेट्स गो। सभी आरसी डायनासोर्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है, इनको देखकर मेरे को खुद ही डर लग रहा है यार क्योंकि ये इतने ज्यादा डेंजरस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले न्यू रैप्टर को टेस्ट करके देखते हैं। इसके हेड के ऊपर एक बटन है, इसको प्रेस करते ही ये अपने आप ही चलने लग रहा है। ये फीचर इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा बढ़िया लगा। चलो अभी इसको रिमोट से भी टेस्ट करके देखते हैं, बहुत तगड़े तरीके से चल रहा है। यहाँ से टर्न करा लेते हैं, टर्न भी सुपर तरीके से हो चुका है, बहुत बैलेंस बनाकर ये चल रहा है। ये बटन दबाने से इसकी बॉडी थोड़ी सी लेफ्ट राइट को टिल्ट होने लगती है। इसको यूज करके ही गाइस ये अपनी डायरेक्शंस चेंज कर सकता है। इसको चला के मजा आ गया यार।
यार अब ये वेलोसी रैप्टर को टेस्ट करके देखते हैं। ये भी बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, इसकी भी बॉडी लेफ्ट राइट को टिल्ट करने लगती है। अब ये शैडो ब्रोंटासॉरस को टेस्ट करके देखते हैं। एक बटन दबाते ही इसका सर दो टुकड़ों में फट जाता है और यहाँ से निकल के आता है एक न्यू रोबोट का सर। अब ये प्रॉपर तरीके से एक रोबोट नजर आ रहा होगा आपको। अब इसको हम लोग ऐसे भी चला सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यार ये स्लाइड करता हुआ भी चलता है और बिल्कुल एक ह्यूमन की तरह स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड पोजिशन में भी चल सकता है। वापस से दूसरा बटन दबाएंगे तो इसका जो फटा हुआ सर है यहाँ से बहुत ही इजिली जुड़ भी जाता है। अब ये लग रहा है ना यार एकदम डेंजरस वाला डायनासोर। डायनासोर बनाने के बाद भी हम लोग इसको चला सकते हैं और यहाँ से रॉकेट्स वगैरह भी फायर कर सकते हैं। ये देखो यार ऐसे इकट्ठा ये दोनों रॉकेट्स को फायर भी करने लगता है। भाई मजा आ गया यार इसको भी चलाकर। अब ये ब्लू रैप्टर को टच करके देखते हैं। यहाँ पे टच करने से अपना मुंह खुल के ऐसे डराने लगता है। यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड सरफेस है यार छत के ऊपर, इसलिए ये प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रहा है। इसके अंदर ये एक बहुत बड़ी दिक्कत लगी मेरे को। अभी इसको मैं देखो इंडोर में चलाऊंगा तो ये बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। मजा आ गया इसको भी चला के। अब ये रोबोटिक एआई डॉग को टच करके देखते हैं। ये भौंक भी सकता है, इसके अंदर बहुत अलग अलग मोड्स भी दिए गए। ये स्विच बंद करेंगे तो गाइस ये भौंकना बंद कर देगा। बिल्कुल एक आरसी कार जैसा चलता है, आप इसको कोई भी डायरेक्शन में चला सकते हो। तो सबसे पहले रेस कराते हैं वेलोसिराप्टर और रैप्टर के बीच में, देखते हैं इस दोनों में से कौन जीतता है। वेलोसिराप्टर धीरे धीरे करके आगे निकल गया है। यहाँ पे रैप्टर पूरी कोशिश कर रहा है इसको टेक ओवर करने के लिए। अब रैप्टर ने अपनी स्पीड भी बढ़ा रखी है यार। अब देखते हैं यहाँ से कौन फटाफट से टर्न ले लेगा। यहाँ पे रैप्टर पहले टर्न ले चुका है, वेलोसिराप्टर थोड़ा सा पीछे हो गया यार। मेरे को लगा था कि वेलोसिराप्टर जीत जाएगा, पर रैप्टर की स्पीड धीरे धीरे करके बढ़ने लगी है और यहाँ पर क्लियरली न्यू वाला रैप्टर डायनासोर जीत चुका है रेस को। रेस कराते हैं ब्रोंटासॉरस वर्सेस रैप्टर के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। मैंने जानबूझकर ब्रोंटासॉरस को आगे भेज दिया था यार, फिर भी देखो ये रेस को जीत नहीं पा रहा है क्योंकि ये बहुत ही भारी भरकम रोबोट है यार। अब एक काम करते हैं इसका सर फाड़ के यहाँ से रोबोट को निकालते हैं। रोबोट भी निकल चुका है, फिर भी देख सकते हो यार ये बिल्कुल भी जीत नहीं पा रहा है। अब रेस कराते हैं रैप्टर वर्सेस सुपर एआई डॉग के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पर डॉग के अंदर व्हील्स होने के कारण ये बहुत आराम से रेस को जीत चुका है। ये एक राउंड लगाकर भी वापस आ चुका है, अभी तक हमारा रैप्टर वहां तक पहुंचा भी नहीं है। क्लियरली यहाँ पर स्मार्ट एआई डॉग जीत चुका है रेस को। अब यहाँ पे आमने सामने वाली फाइट कराते हैं वेलोसिराप्टर वर्सेस रैप्टर के बीच में। यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत धक्का मुक्की हो रही है, दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए। यहाँ पे न्यू रैप्टर ने वेलोसिराप्टर को नीचे पटक के रख दिया है और रैप्टर यहाँ पर जीत चुका है। अब इन दोनों की आमने सामने वाली फाइट कराते हैं। ये ब्लू डायनासोर तो बहुत ज्यादा डेंजरस लग रहा है। यहाँ पे दोनों भिड़ चुके हैं, अब पता चलेगा इस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे पर रैप्टर ने ब्लू डायनासोर को पटक के रख दिया यार। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो रैप्टर ने हरा दिया है इसको भी। अब देखते हैं ये रैप्टर ब्रोंटासॉरस को भी हरा पाएगा या फिर नहीं। पहले ब्रोंटासॉरस ने इसके ऊपर दो रॉकेट्स फायर किए हैं और इसको कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर न्यू रैप्टर इसको पीछे ढकेल के नीचे गिराने की पूरी कोशिश कर रहा है पर ब्रोंटासॉरस बहुत ही ज्यादा भारी भरकम डायनासोर है। इसने तो यार इसको नीचे पटक दिया है और इसको जोर से काटे जा रहा है। क्लियरली आप देख सकते हो इसने हरा दिया है रैप्टर को और जीत चुका है ब्रोंटासॉरस यहाँ पर। अब ये दोनों रोबोट्स के बीच में कराते हैं फाइट। ये स्मार्ट रोबोट बड़ा ही स्मार्ट निकला यार, देखो ये पीछे से जाकर इसको काटने लगा है और धक्का मार के नीचे गिरा दिया यार। मेरे को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये स्मार्ट रोबोट इतना ज्यादा चालाक है। अब इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं गाइस। यहाँ पे अभी पता चलेगा दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। ये एक दूसरे को दोनों खींचने के चक्कर में गोल गोल चक्कर काट रहे थे पर स्मार्ट रोबोट सच में स्मार्ट भी निकला और बहुत ज्यादा पावरफुल भी निकला। इसने तो यार नीचे गिरा के रख दिया इतने बड़े ब्रोंटासॉरस को भी। अब वेट पुल टेस्ट करते हैं न्यू रैप्टर के पीछे। मैंने एक लैंड रोवर को बांध दिया है, ये एक बहुत ही भारी भरकम कार है यार। देखते हैं ये इतना ज्यादा वजन खींच पाता है या नहीं। पैर स्लिप होने के कारण ये धड़ाम से नीचे गिर चुका है। अब देखते हैं ब्लू डायनासोर इसका वेट खींच पाता है या नहीं। जैसे ही स्टार्ट हुआ यार ये अनबैलेंस होकर धड़ाम से नीचे गिर चुका है। ठीक है अभी सेम टेस्ट ब्रोंटासॉरस के साथ टेस्ट करके देखते हैं। इसकी पूंछ को मैंने लैंड रोवर बांध दिया है भाई, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है इतना ज्यादा वेट खींचने में। देखो बड़ा ही आराम से इसको स्लाइड करके लेके जा रहा है। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रोंटासॉरस बहुत ज्यादा पावरफुल है। स्मार्ट एआई डॉग के पीछे भी मैंने सेम लैंड रोवर को बांध दिया है। ये डॉग तो बड़ा ही आराम से इसको खींच के लेके जा रहा है यार। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये रियल दिखने वाले डायनासोर पसंद है या फिर रोबोटिक डायनासोर पसंद है। चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। पहला नाम है विनीत, भव्यराज, हिमांशु, जैन, रुद्रा, आरव, वरदान, जतिन, राजवीर, सूर्यांश। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।